Sarkar Wari Pata. Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. और मैं आपसे दो दिन पहले ही मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जहां पर मैंने अब ये कसम खाई है कि मैं एक्टिव रहूंगा वहां पर एक फोटो पोस्ट की थी मेरे और महेश बाबू की बहुत साल पहले बिजनेसमैन फिल्म की शूटिंग करने पूरी जगन्नाथ जी के साथ वो मुंबई में आए थे कार्टर रोड्स का इलाका था वहां पर आई हैव नेवर सीन सच एन हम्बल सुपर स्टार लिटरली बोल रहा हूँ उनको वो टाइम पर कोई नहीं पहचानता था क्योंकि वो टाइम पर इतने डब फिल्म्स यहाँ पर टीवी पर नहीं आया करती थी साउथ का जो बुखार था लोगों को पता भी नहीं चलता था कि साउथ की कौन सी फिल्म है हिंदी वाले डब कर करके निकल जाते थे बाद में अभी जब यूट्यूब इतना ट्रेंड पकड़ा 2016 के बाद जियो एरा के बाद तब जाके लोगों को पता चला महेश बाबू ऑब्वियसली मैं जब साउथ में रहता था मुझे पता था हु वाज महेश बाबू उनका क्या क्रेज था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महेश बाबू के 500 मीटर तक नज़दीक जाने के लिए भी ना आपको ज़िंदगी भर इंतज़ार करना पड़ेगा आई वॉज लकी इनफ कि मैं उनके बाजू में बैठकर लिटरली उनके छाते के नीचे बैठकर मैंने फ़ोटो खिंचाई उनके साथ एंड लिटरली आज जब उनका बर्थडे है सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगा सुपरस्टार महेश बाबू को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे महेश बाबू आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आज उनकी जो अपकमिंग फिल्म है सरकार वारी पाता उसका मोशन पोस्टर आया है। वेल फ्रेंड्स ये मोशन पोस्टर का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक दरख्वास्त है मेकर्स से करना चाहता हूँ क्योंकि गाइस सब आ रहे हैं हिंदी में प्रभास आ रहे हैं अल्लू अर्जुन आ रहे हैं एवरीबॉडी इज कमिंग यश तो हिंदी में आ ही रहा है मैं चाहता हूँ कि महेश बाबू हिंदी में आए क्योंकि गाइस महेश बाबू का जो हिंदी ऑडियंस से कनेक्शन है इट्स क्रेजी पीपल आर क्रेजी फॉर महेश बाबू एंड लिटरली बोल रहा हूँ इफ महेश बाबू कम्स इन हिंदी इट्स गोना बी टू अनदर लेवल ये सारे साउथ वाले जब हिंदी में आएंगे एक अलग खेल चलेगा एक अलग ही कारोबार चलेगा क्योंकि जितनी डब फिल्में महेश बाबू की आई है टीवी पे और अल्लू अर्जुन की इट इज टू अनदर लेवल सो गाइस मोशन पोस्टर आज सुबह जो मुहूर्तम था इनका 9:09 पर वहां पर लॉन्च करने की पूर्ण तरीके से प्लानिंग कर दी गई थी एंड द मोशन पोस्टर स्टार्ट्स फैंटास्टिकली इसीलिए क्योंकि गाइस थमन का जो BGM है यहाँ पर जो बचता है एंड हारिका नारायण की जो आवाजें पीछे आती है अनंत श्रीराम के थोड़े बहुत लिरिक्स आते हैं वो इस पूरे मोशन पोस्टर को एक विजुअल अफेयर बना देते हैं एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ बाई मिस्टर बाबू फैंटास्टिक BGM है सबसे पहले गाइज हमें रूबरू कराया जाता है सिक्के के साथ हमारे रुपए के साथ जो हमारा रुपए रहता है 1 रुपए का सिक्का उस पर वो दिखाया जाता है ऐसा रूमर है कि दिस फिल्म इज अबाउट अ बैंक स्कैम महेश बाबू का इस फिल्म में डबल रोल होगा लेकिन मैं उस पर कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ हाँ बैंक स्कैम पे फिल्म आधारित है लेकिन गाइज यहाँ पर जो कास्ट दिया हुआ है वहाँ पे सिर्फ लिखा है स्टारिंग सुपरस्टार महेश बाबू यहाँ पे कीर्ति सुरेश मैडम का नाम कहीं पर भी नहीं है ऐसे जब तक वो टीम ऑफिशियली नहीं बताती वी कैन नॉट मेक अजम्पशंस रुपया सिक्का दिखाते हैं हवा में उछलता है उसके बाद एक हाथ आता है और हाथ में ओम का एक ब्रेसलेट है जो हमें दिखाई देती जगमगाते हुए एंड फिर वो हाथ एक सिक्का उछालता है 1 रुपए का जैसे सिक्का हवा में जाता है वहां आता है हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार महेश बाबू एंड उसके बाद आता है सरकार वारी पाता एंड वहां पे गाइस एक घंटी भी है अब वो घंटी का क्या सिग्निफिकेंस है क्या मंदिर से रिलेटेड है क्या कोई मंदिर में स्कैम हुआ है कि मंदिर के पैसे गए हैं कुछ तो रिलेटेड है इसमें शायद महेश बाबू फंस जाता है डबल रोल इनकी स्क्रिप्ट बहुत मजेदार रहती है इतने सब लेयर एंड सब प्लॉट्स रहते हैं एंड गाइस इस फिल्म में महेश बाबू आने वाले हैं नर देन परशुराम के साथ इनके साथ इनकी जोड़ी फैंटास्टिक होगी फाड़ होगी गाइस अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है कि ये फिल्म पैन इंडिया होगी या नहीं होगी इट्स द बर्थडे स्पेशल मोशन पोस्टर ऑफ सरकार वारी पाटा फ्रॉम मैत्री मूवी मेकर्स इट्स एन अपकमिंग तेलुगु मूवी लिखा है पैन इंडिया फिल्म नहीं लिखा है स्टारिंग महेश बाबू एंड परशुराम अब गाइस इसका म्यूजिक दिया है थमन एस ने ओके गाइस आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा सो पसंद आया एपिसोड को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट सेक्शन आपका है जितने भी MB फैंस है क्योंकि गाइस मुझे बाकी स्टार्स का पता नहीं लेकिन मेरे चैनल पे राइट फ्रॉम श्रीमंतुड़ू आई थिंक 2015 से मैंने महेश बाबू की हर फिल्म का रिव्यू किया है हाँ ब्रह्मोत्सव का मैंने बहुत खराब रिव्यू दिया क्योंकि पिक्चर बाबा सर दुख गया था पिक्चर में उसको छोड़ के सब पिक्चरों का रिव्यू मैंने रिलीजियसली वही 15-15, 16-16 मिनट का रिव्यू दिया है आजकल के बच्चे 4-5 मिनट का नीचे सब टाइटल देख के रिव्यू देते हैं बाकायदा मैंने उस समय इतनी अच्छे से भाषा नहीं आती थी
भाषा, फिर भी बाद में सीख सीख के सब तेलुगु फिल्मों का रिव्यू दिया है. एंड आई रियली रियली लव महेश बाबू. एंड वो जब हिंदी में आएंगे अलग ही समा बन जाएगा. ऑलवेज से स्टे कूल मैन. हैप्पी बर्थडे महेश बाबू.